हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और जैसे कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि कंपनी आपको 14 तारीख को बोनस दे सकती है। अब 14 तारीख को ऐसा क्या है और कंपनी बोनस क्यों दे सकती है, ओके, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। पहले भी मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जैन के आसपास और मैंने आपको बताया था, बट उस टाइम वो लेवल उसने क्रॉस नहीं किया था, बट अब ये कंपनी उस लेवल को क्रॉस करने वाली है और डेफिनेटली करेगी। और जब भी ये कंपनी उस लेवल को क्रॉस करती है, डेफिनेटली वो आपको बोनस या शेयर देती हुई मिलती है, ओके। तो इसी को हम भरोसा करके आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़े आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूं और हम सभी इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, एक आपका एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के लिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है कोई भी ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट, तो यहाँ पर क्लिक करें और फ्री में अकाउंट ओपन कराइए, बहुत सारे बेनिफिट के साथ मिल रहा है। एज वेल एज श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहे वो दान कर सकते हो और पुण्य काम में मदद कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, कंपनी अगर बातें की जाए डिविडेंड, ओके, इंटरिम डिविडेंड इस यहाँ पर देती है ये कंपनी। अगर बात करें यहाँ पर बोर्ड मीटिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 तारीख को यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है और एज वेल एज फाइनल डिविडेंड, ओके, डिविडेंड भी देने के बारे में बात होगी, एज वेल एज आपको बता दें रिजल्ट भी आ रहा है। और साथ में एक और अच्छी खबर आ सकती है बोनस की, क्यों आ सकती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अगर हम इसकी बोनस की हिस्ट्री देखते हैं तो बोनस की हिस्ट्री आपके सामने है, ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी बार इसने बोनस दिया है, मल्टीपल यहाँ पर आप और आगे करेंगे तो और भी बार दिया है, 2004, 2006, 2014, हर दो दो साल, चार चार साल में आपको बोनस दिया है, 2014 के बाद 15 में, फिर दोबारा एक साल में, फिर 2018, फिर 3 साल में, और अब दोबारा 3 साल होने वाले हैं कंपनी को, ओके। तो आपको अच्छा खासा बोनस देता हुआ मिल सकता है ये कंपनी, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एज वेल एज बात की जाए तो कंपनी विद इन वन मंथ 150 से 200 रुपये अप जाने की पूरी क्षमता रखती है। प्राइस का तो इंक्रीमेंट हो गई होगा, एज वेल एज अगर इस तरीके से ये शेयर भागा, ओके, और तो बोनस मिला तो और शेयर भागेगा तो शेयर की कीमत बढ़ेगी, प्लस में बोनस मिलेगा और फिर आपके बल्ले बल्ले है। तो अगर बात करें कौन सा शेयर है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये शेयर आज के दिन देख एक दिन पॉजिटिव, 5 डेज़ का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए शेयर इधर तक अपना इसने 52 वीक फ्रेश हाई लगाया, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1406 रुपये तक आया और फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट अब कंपनी भागेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा था इस शेयर को नज़र रखने के लिए एज वेल एज़ ख़रीदने के लिए, हर बार ये नीचे आया है तो मैंने आपको बताया बाय ऑन डिप्स करिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मंथ में क्या इसने रिटर्न दिया, अगर बात करें रिटर्न की तो 975 पे शेयर चल रहा था, आज लगभग 1400 रुपये तक जाके आया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गया 13 जैन को, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से। अगर हम एक साल का भी चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक साल में आपके पैसे को दुगना कर चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए मैक्सिमम चार्ट, कभी 11 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज 1500-1400 रुपये पे शेयर चल रहा है, प्लस में 6-7 बार बोनस दे चुका है, तो आपके पैसों को करोड़पति बनाया है। अगर किसी ने उस ज़माने में उसके शेयर खरीदे होंगे केवल 10,000 रुपये के, तो अच्छा खासा इसने लखपति और करोड़पति बनाया, ऐसी कंपनी है ये। तो अगर हम बात करें इसके यहाँ पर आप देख लीजिए तो 52 वीक लो 509 रुपये का 19 मार्च को था, 16 मार्च को इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया है। अगर बात करें यहाँ पर कितनी डिलीवरीज उठाई गई है तो देखिए 52% की डिलीवरीज 66 लाख शेयर के लगभग यहाँ पर हमें उठाते हुए मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी इन्फॉर्मेशन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में कि कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न देती हुई नज़र आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% शेयर ही कंपनी के पास है और पब्लिक के पास 86% है, पब्लिक के पास नहीं, FIIs, GIIs सब इंक्लूड है इसमें। अगर बात करें 12% 12 रुपये का डिविडेंड अभी दिया था इसने अक्टूबर में, ओके, इसके बाद मई में भी 2 बार आपको जहाँ पर कंपनी लॉस में जा रही थी वहाँ पर ये डिविडेंड दे रहा था, तो आप समझ सकते हैं कंपनी किस तरीके की बेहतरीन कंपनी होगी। और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं ना, उस शेयर का नाम है इन्फोसिस 1347 रुपये का शेयर है। और इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जब भी ये 1450-1500 की रेंज पे आता है ना,
ओके, जब ये शेयर इतनी रेंज पर आता है तो आपको एक देने बोनस देने को तैयार हो जाता है। क्यों क्यों, इसके पास इसका भी एक रीज़न है। और बोनस और अच्छे रिजल्ट क्यों आएंगे, तो अच्छे रिजल्ट इसलिए आएंगे क्योंकि एक कंपनी है एसेंचर, ओके, जो इंडिया जो कि वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है आईटी की। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स पॉइंट टू माउथ वाटरिंग Q4 आईटी अर्निंग, मतलब आईटी की जो Q4 की जो इसके रिजल्ट्स है ना, माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाए इस तरीके के रिजल्ट्स है। मतलब आप समझ सकते हैं मुंह में पानी कब आता है, जब ललचा रहे हो उस तब। और तो इसने अगर देखा जाए ना, यहाँ पर देखिए अच्छे खासे इसने जंप लगाई है, 8% मैं US डॉलर टर्म्स जंप, 8% ऑन ईयर इन द क्वार्टर एंड एंड फेब्रुअरी टू 12.9 बिलियन। तो अच्छे खासे इसके रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। और अगर बात करें कि बोनस क्यों दे सकता है, तो बोनस देखिए 1400-1500 की रेंज में तो देता ही देता है। तो बोनस देने का इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है इसके रिजर्व्स। अगर हम यहाँ पर देखें इसके रिजर्व्स, तो इसके रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है इसके पास, देख रहे हैं, जो कि हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी रिजर्व्स देती है। और बोरिंग की बात करें, थोड़ी सी बोरिंग है, मतलब ये हो गया कि एक बड़ी सी बाल्टी में से अपनी क्या कहते हैं, एक बड़ी सी टंकी में से एक लोटा पानी निकाल दिया, और बोरिंग भी काम के लिए वरना कुछ नहीं। और इतनी सारी कंपनी, मतलब इसने 11 से 12 कंपनियों को तो एक्विजिशन कर, एक्विजिशन मतलब खरीद लिया उन कंपनियों को कि आइए अब हम चलाएंगे इस कंपनियों को, वो भी इंडिया की नहीं बाहर की। कभी US की ये कंपनी खरीदी, कभी US की वो कंपनी खरीद ली। मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है बनाए हैं इससे रिलेटेड, और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा तो आपको पता चल जाए। इन्वेस्टमेंट देखिए 11,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ही है। अगर बात करें यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की, तो कैश देखिए 22,000 करोड़ रुपए का, मतलब जेब में 22,000 करोड़ रुपए तो लेके घूम रहे हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके की कंपनी है। एसेट देख लीजिए, ओके, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लोज देख लीजिए, 17 लाख करोड़ का कैश फ्लो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम आरओसी ही की बात करते हो, तो 33%, मतलब आप देखेंगे पिछले 2009 से 2020 मतलब 10 साल में 30% से हमेशा ज़्यादा ही इसने आरओसी ही रखा है। इसका मतलब पता है आपको कि आगे किसी ने 2009 में इन्वेस्ट किया होगा ना, और 2029 तक कंपनी इसी तरीके का रिजल्ट देता रहे, और किसी ने केवल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे, यही कंपनी एक बना के दे देगी। दूसरी कंपनी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी है, इतनी दिग्गज कंपनी है, मैं तो ऐसा टीसीएस के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है इंडिया में, बट स्टिल टीसीएस को टक्कर देने वाली कंपनी। प्रमोटर्स क्या देखिए, 12.95% की हिस्सेदारी है, नो इशू। FIIs देखिए, FIIs भर भर के खरीदे है, जहाँ पर मैं आपको कह रहा था ना, और खरीद लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर में किस तरीके से, सितंबर में बाइंग, फिर इसके बाद दिसंबर में बाइंग। DIS देखिए, DIS ने थोड़ी सी कम करी है बट नॉट एन इशू। पब्लिक देखिए, पब्लिक के पास 30% की हिस्सेदारी है, और इसमें से भी देखिए 30% भी नहीं है डच बैंक ट्रस्ट की कंपनी, 17% नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, 1.5%। ओके, तो अगर बात की जाए 18% की हिस्सेदारी तो इन्होंने ही ले रखी है, तो केवल 10-11% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी अच्छी अच्छी कंपनी इनके पास है। शेयर अगर बात की जाए HNIs के पास है, और बड़े बड़े फंड के पास है। मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 5,72,000 करोड़ की कंपनी है ये। ओके, करंट प्राइस आपको जो चल रहा है 1300 के आसपास चल रहा है। पी रेशो देख लीजिए, 30 का पी है। ओके, बुक वैल्यू देख लीजिए, 168 की बुक वैल्यू है। आरओसी ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके, और दूसरे नंबर की आईटी कंपनी है, और वर्ल्ड की तीसरे चौथे नंबर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। सेल्स की बात करें तो देख लीजिए 25,000 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स इस बार दिसंबर में। प्रॉफिट की बात करें तो 5,197 करोड़ का प्रॉफिट, प्रॉफिट देखिए हर साल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सेल्स की बात कर लीजिए यहाँ पर ईयरली बेस पे, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 महीने में 97,000 करोड़ का सेल्स करे हैं। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें पिछले 12 महीने में, तो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रिजर्व वगैरह की हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए बताता हूँ कि ये इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। और बाकी इसका टारगेट तो लोगों ने देखिए 1500-1600 रुपये तक बना रखा है, और यही लेवल इसका आ भी रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो 1500, और यहाँ पर देखिए ये कंपनी देखिए इस लेवल पर आती है, फिर उसके बाद गिरना चली जाती है। तो आपको बताना चाहता हूँ बोनस की खबर मिले या ना मिले, बट प्राइस में अप्रिसिएशन होना ही होना है। और बताना चाहता हूँ ये 1500 तक जाएगा इस बार शेयर, और एक बार 1500 तक जाए तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। 150 रुपये का प्रॉफिट होगा, और क्या क्या चाहिए आपको, वो भी विद इन
वन मंथ भी नहीं कहूँगा, विद इन 24 डेज में आपको इतना अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और जब TCS के रिजल्ट आएंगे ना, सबसे पहले आई थिंक TCS के ही आएंगे, तो इन्फोसिस के 14 तारीख को है, 14 तारीख को आपको सब कुछ घटना सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी कंपनी बोनस देती है, ज़रूरी नहीं है बट कंपनी बोनस देती है। ओके, तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिंपल सा आपको बताना चाहते हैं, ये नॉलेजेबल वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप कोई भी बाइंग और सेलिंग पोजिशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। बस कंपनी बेहतरीन है, पैसा आपका डूबना नहीं है, पैसा आपका सेफ है बस, मेरे और अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल जो आप सभी का चैनल है बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार, इसे याद रखें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन को हिट करें ताकि अब फौरन तौर पर आपको इसके अपडेट्स मिले, और दूसरे लोगों तक फैलाइए ताकि वो भी आपके साथ में बढ़े, और जब वो भी आपके साथ में बढ़ेंगे तो दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल कहेंगे कि हाँ भाई उसने मुझे बताया था, और इस तरीके से हम साथ में बढ़े और हमने अच्छे खासे पैसे कमाए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।